बड़ी खबर ग्वालियर से है, जहां बीच सड़क पर एक अधेड़ की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो भी वायरल हो गया है। वीडियो में चार लोग मुंह पर कपड़ा बांधे एक अधेड़ को बुरी तरह लाठी डंडे मारते दिख रहे हैं। इनमें से एक ने उसे पकड़ रखा था, वहीं बाकी तीन लोग उसे पीट रहे थे। इस दौरान उसके पैरों से खून भी निकलने लगा था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना ग्वालियर के माधवगंज के गुढ़ा गुढ़ी इलाके की है। एसएसपी ग्वालियर अमित सांघी ने बताया कि पिपरौली का रहने वाला साधु सिंह गुर्जर खरीदारी करने के लिए गुढ़ा स्थित बाजार आया हुआ था। इसी दौरान लखनौती बिलौवा के सिरनाम विनोद ऋषु गुर्जर, जितेंद्र महेंद्र और दिलीप गुर्जर ने उन पर लाठियों से हमला कर दिया। इस दौरान एक आरोपी साधु सिंह को कसकर पकड़े रहा, जबकि अन्य तीन आरोपी उसके शरीर पर लाठियों से वार करते रहे। साधु सिंह की पिटाई उसके भतीजा, दामाद व उसके परिजनों ने मिलकर की थी। सरेराह हुई इस घटना के दौरान बाजार में खासी चहल पहल थी, लेकिन किसी ने भी इस शख्स को बचाने की हिम्मत नहीं दिखाई। साधु की भतीजे को उसके ससुराल में परेशान किया जा रहा है, जिसे लेकर हाल ही में साधु उन्हें समझाने गया था। उसका समझाना दामाद के परिजन को पसंद नहीं आया और उन्होंने मौका मिलते ही उस पर हमला कर दिया था। हमलावर अधेड़ उम्र के साधु सिंह को सड़क पर बेरहमी से पीट रहे थे और वह मदद के लिए चिल्ला रहा था, जिसके चलते आसपास काफी भीड़ जमा हो गई, लेकिन किसी की हिम्मत उसे बचाने की नहीं हुई, बल्कि लोग इसका वीडियो बनाते नजर आए। कुछ देर बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। एसएसपी ग्वालियर अमित सांघी के मुताबिक फरियादी साधु सिंह की भतीजी की शादी लखनौती में हुई है। पति पत्नी में अनबन के चलते कई बार गाँव में पंचायतें हो चुकी है, लेकिन उनका विवाद सुलझने की बजाय उलझता जा रहा है। तीन दिन पहले फोन पर हुई गर्मागर्म बहस के बाद आरोपियों ने साधु सिंह पर सोची समझी साजिश के तहत यह हमला किया था। माधवगंज पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ बलवा मारपीट सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये एक माधवगंज क्षेत्र का वीडियो है, जिसमें ये मूलतः ये बात सामने आई है कि ये एक पक्ष जो पीट रहा है वो लड़की पक्ष वाला है यानी पत्नी का है, और जो पीट रहा है वो लड़के पक्ष वाला है यानी पति का है। और ये आपस में एक ही समुदाय के लोग हैं, और पत्नी को ढंग से नहीं रखने के बाद पे इनका 10-15 दिन से विवाद चल रहा था, और उसी पे से लड़की के चाचा की पिटाई इनने की है। इसमें FIR दर्ज कर ली गई है, आरोपियों को पकड़ लिया जाए।